हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है उनको महिलाओं के प्रति उनकी क्या भावनाएं आपने देखी है? 33% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को देखा है, महिलाओं से किसी तरह की द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन ये दुष्ट कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मंडी की लड़कियों का क्या भाव चल रहा है, ये कोई बात होती है कि बहू बेटियों के लिए करने के लिए क्या ये बात होती है कोई? और मुझे कहते हैं इनके राजकुमार, मुझे कहते हैं कि तू तो पवित्र होके आ जा, इस तरह की घटिया टिप्पणी करते हैं ये, महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं। ये जो हमारा फ्लड आया और इसमें जो दुर्गति हुई लोगों के घर, मेरी जो बहन है सुलपुर में, उनकी उनका पूरा का पूरा घर डली गया, इतना ज्यादा उतनी बरखा हुई, कहीं इतनी ज्यादा आंधी, कहीं तूफान आए, पूरा घर डल गया। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं, सारे ही हिमाचल वासी अपने सगे संबंधी ही हैं, ऐसी ऐसी त्रासदियां हुई दोस्तों। लेकिन कोई भी इनका, चाहे वो आप पार्लियामेंट वाले पूछ लो, चाहे वो आप कोई और पूछ लो, मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंचे। लेकिन नड्डा जी, गडकरी जी सारा जायजा लेने आए और उन्होंने 1,800 करोड़ की राशि दी। ये लोग रोड नहीं बनवाते थे बॉर्डर एरिया पे, कांग्रेस के नेता कहते थे कि अगर चाइना को रोड मिल गया तो वो तो दिल्ली तक पहुंचेगा, अगर कश्मीर से रोड मिल गया तो वो दिल्ली तक पहुंचेंगे, अरुणाचल को अगर रोड दे दिया, हाईवे दे दिया तो रह के गया तो चाइना दिल्ली पहुंचेगा। ऐसी इनकी कायरता थी और ऐसी इनकी नपुंसकता थी जो कि पूरा विश्व जिस पर हंसता था। हमने वो वक्त भी देखा है 2014 से पहले, जब हम सुनते थे 1,00,000 करोड़ का घोटाला, 2G स्कैम, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले में घोटाला, ऊपर घोटाला, नीचे घोटाला, हर जगह घोटाला।